एसके लाइव के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र नमस्ते। मैं मनीषा सुराना, अभी आज शपथ ग्रहण है नई अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंत महिला मंडल सिलीगुड़ी की। मेरे साथ हैं हमारी इमीडिएट पास प्रेसिडेंट श्रीमती रानी भंसाली, इमीडिएट पास सेक्रेटरी श्रीमती संगीता घोषल और हमारी संरक्षिका श्रीमती कुसुम डोसी, और वर्तमान में अभी मेरे साथ मेरी टीम में मेरी सेक्रेटरी है सुधा जी मालू। तो ये आज हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी है आरोहण, इसमें हमारी निवर्तमान अध्यक्ष आज मुझे औथ दिलाएंगी और उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम को औथ दिलाऊंगी। पर हमारा कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये 2021 से 2023 का कार्यकाल है। और मैं आपको बता दूं कि श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महिला मंडल ये अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की एक शाखा है, जिसमें सिलीगुड़ी में हम 500 से ज़्यादा मेंबर हैं। और हमारी संस्था एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है जो हर तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आगामी कार्यकाल में हमारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तुलसी रोजगार योजना के अंतर्गत एक सिलाई स्कूल, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलने की हमारी योजना, और उसके अलावा हमारा एक योजना चल रही है इसमें फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने की, जिसकी अभी बहुत रिक्वायरमेंट भी है और इतने महंगे होने की वजह से हर तबका उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो एक सब्सिडाइज रेट में हर वर्ग के लोग उसका लाभ ले सकें, अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, इस दिशा में विचार करते हुए हमने एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने का भी सोचा है। और एक आज हमारी इतने यहाँ पे जब 500 मेंबर हैं तो उसमें कई बहनें जरूरतमंद भी या किसी भी कारण से छोटे छोटे रोजगार करती हैं घर में, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो आज तेरापन महिला मंडल उनको एक मंच प्रदान करेगा जहाँ वो एक साथ उस मंच पे मिले, अपने जो वो कार्य कर रही हैं, जो अपना व्यापार चला रही हैं, उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी दें और एक दूसरे के कार्यों को वो प्रमोशन दे। तो ये भी एक योजना हम लेके आ रहे हैं, मंच प्रदान करेगी हमारी महिला मंडल सिलीगुड़ी। और इसके अलावा हमारे और जो धार्मिक और सामाजिक कार्य चलते हैं, अखिल भारतीय से हमें हर मंथ जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो तो हमें करने ही हैं 2 वर्ष तक। तो अपने इस नए कार्यकाल में आप प्रवेश करेंगे, आप क्या कैसा उत्साह है आपका? बिल्कुल, टीम एकदम उत्साही टीम है, यंग टीम है, और परिवर्तन समय की मांग है। अगर यंग टीम है तो उसके काम करने का तरीका भी अलग होगा। हम सोशल मीडिया को यूज करेंगे, आज फेसबुक पे हमारा पेज है, आज इंस्टा है, ट्विटर पे जाएंगे हम, पर अपने कार्यों का प्रमोशन करेंगे ताकि मोटिवेशन और लोगों को प्रेरणा भी इसके साथ मिले। और इसके साथ जब नई टीम जुड़ती है तो अपने आप कार्य करने का ढंग भी बदलता है, तरीका भी बदलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी टीम बड़े उत्साह के साथ मेरा साथ देगी और जो भी मेरी योजनाएं हैं या जो भी मेरे सपने हैं इस संस्था को लेके, इस कार्यकाल को लेके, वो जरूर मेरी टीम पूरा करेगी। क्या मैसेज देंगे एसके लाइव की तरफ से दर्शकों को? एसके लाइव के दर्शकों को मैं यही कहूंगी कि तेरापंथ महिला मंडल का ये 36वां वर्ष है, 36 ईयर्स, तो बस आप सबकी शुभकामनाएँ चाहिए, आप सबकी मंगल कामनाएँ चाहिए कि हम अच्छे से स्वस्थ रहते हुए समाज की गति प्रगति में सबको साथ लेके चलते हुए, हमारे पूर्वाध्यक्षों के मार्गदर्शन में चलते हुए अच्छा कार्य कर पाएं और ये संस्था को और ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएं। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका, 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपा सारी सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया
snu.edu.in पर लॉग ऑन करें।